अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके बेटा, जो नया क्वेश्चन है हमारे पास ये है चैप्टर नंबर 8 का, साउंड के टॉपिक का क्वेश्चन। और साउंड के टॉपिक के अंदर जो एक पर्टिकुलर सब टॉपिक है जो है आपके पास डॉपलर्स इफेक्ट का टॉपिक, उसका एक क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन से पहले डेरिवेशन करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी खुद से। ओके, देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि टू कार्स अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। सही, तो दो कार्स हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। द हॉर्न ऑफ वन, वन मीन्स फर्स्ट, ब्लोइंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3000 हर्ट्स। इनमें से किसी को भी आप वन कह दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पहली वाली जो कार है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास, जिसको मैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, इट इज 3000 हर्ट्स। ओके, और इट इज हर्ड बाय द पीपल इन अदर कार, क्योंकि दूसरी कार से सुना जा रहा है। पहली कार से साउंड जनरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, दूसरी कार में बैठे हुए लोग उसको सुन रहे हैं, यानी कि वो ऑब्जर्वर्स हैं। तो मैं इसको चेंज होने वाली फ्रीक्वेंसी कहूँगा एफ डैश, और ये होगी आपके पास 3400 हर्ट्स। सही है, इसका मतलब कंफर्म ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सही है, पहले 3000 थी, अब 3400 सुनाई दे रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, क्योंकि शुरू में ही बता दिया गया है कि वेलोसिटी वन और वेलोसिटी टू, जो कि कार वन और कार टू की है, वो दोनों आपस में सेम है, तो इन्हीं दोनों को फाइंड आउट करना है। अब जब पहले ही कह दें सेम है, तो आपके पास एक काम आसान हो जाता है जिसको मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। आप वी वन वी टू को एक वी कोई बना दें, मैं इसको कह देता हूँ वी प्राइम या वी डैश। तो बेसिकली मुझे वी डैश निकालना है। अगर वी डैश पता चल गया तो वी वन भी वही होगा और वी टू भी वही होगा। ओके, तो फॉर्मूला हमें डॉपलर्स का ही लगाना है। तो डॉपलर्स के अंदर सबसे पहली बात ये देखें, जब कार अप्रोच कर रही होती है, तो अप्रोच का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ के मिलेगी, जो कि मुझे डाटा में भी नज़र आ रहा है। तो आप एक जनरल कंडीशन समझ लें कि डॉपलर्स इफेक्ट के फॉर्मूले कैसे बनाए जाएं। देखिए, फॉर्मूला जनरली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऊपर हमेशा वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, नीचे हमेशा वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स आता है। अगर अप्रोच हो रही है या आपको नज़र आ रहा है सर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, तो हमेशा न्यूमिनेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और होगा तो आप इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि नेगेटिव ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फॉर्मूले में ओ है और एस है। यहाँ पे तो सर हमें वन और टू मालूम करना है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये पता लगाना है कि विच वन इज सोर्स एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर, सॉरी, जो लिसनर है। तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि एक कार साउंड कर रही है, पहली वाली जिसको हम वी वन कह सकते हैं, और दूसरी वाली में बैठे हुए, जैसे कि पहली वाली है, दूसरी वाली में बैठे हुए लोग उसको सुन रहे हैं, तो यानी कि वी टू। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया सर, वी वन इज बेसिकली सोर्स एंड वी टू इज बेसिकली ऑब्जर्वर। ओके, तो आप चाहें तो आप फॉर्मूले को इसी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास एफ वन सॉरी एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी टू डिवाइडेड बाय वी माइनस वी वन हो जाएगा। सही है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आपके सामने आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को मज़ीद हमें सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज हमें वी वन और वी टू फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला जो हमारे पास बना है वो है एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी टू डिवाइड बाय वी माइनस वी वन इंटू एफ। तो अब देखें हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे।
डिनोमिनेटर में जो कंडीशन है वी वन वी माइनस वी वन की, उसको बराबर में ले जाइए तो ये हो जाएगा एफ डैश मल्टीप्लाई बाय वी माइनस वी वन इज इक्वल्स टू वी प्लस वी टू इन टू एफ। ओके, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ डैश मल्टीप्लाई बाय वी, एफ डैश मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस एफ इंटू वी टू। ओके, अब आप वी वाली कंडीशन को एक तरफ कर लें और वी वन वी टू वाली कंडीशन को एक तरफ कर लें, तो देखें ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश वी माइनस एफ वी इज इक्वल्स टू एफ डैश वी वन प्लस एफ वी टू। सही है भाई? अच्छा, एक अगला स्टेप करने से पहले आपने एक चीज़ और करनी है, ये भी समझ में आ गया है हमें कि हमें पता है एज वी नो दैट वी वन इज इक्वल्स टू वी टू, जिसको हमने वी डैश लेना है। तो देखिए आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं वी भी साथ साथ कॉमन ले रहा हूँ, मैंने वी कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल्स टू, और यहाँ से मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ कि मैंने वी वन वी टू को वी डैश के बराबर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वी डैश को कॉमन ले सकता हूँ, एफ डैश प्लस एफ। क्या निकालना है मुझे? वी डैश, तो बड़ी आसानी से ये डिवाइड में आ जाएगा एफ डैश प्लस एफ। तो देखें वी डैश का फॉर्मूला बन जाएगा वी इंटू एफ डैश माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश प्लस एफ। ये वो फॉर्मूला है जो हमने रिक्रिएट करा है फ्रॉम दिस। ओके, तो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, उसको रिक्रिएट कर लिया। होपफुली आपको ये स्टेप समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, जो फॉर्मूला है आपके पास वो है जो हमने फाइनल बनाया था, इट इज वी डैश इज इक्वल टू वी एफ डैश माइनस एफ एफ डैश प्लस एफ। ओके, सारी चीज़ें मुझे मालूम है, वी इज 340, एफ डैश इज 3400, एफ इज 3000, एफ डैश इज 3400 एंड एफ इज 3000। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये शक्ल कुछ इस तरह की बनेगी, 340 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 6400। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वी डैश का, इट विल बी 21.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, 21.25 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि हमें पता है कि सर वी डैश वी वन के भी बराबर है और वी टू के भी, तो आपने वी वन वी टू दोनों की वेलोसिटीज फाइंड आउट कर ली है। ओके, यही क्वेश्चन था और यही हमने सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको इसको ये समझ में आया होगा, अगर कोई इशू है अगेन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।